मैं जब आज मेरी कोर्ट की तारीख थी, मैं मेरे पहले पहले इसके मेरे पे केस लगाया। हम दोनों के साथ काम करते थे, इसको मैंने पैसे दिए हुए, तो इसने मेरे पे झूठा केस लगाया इसकी वाइफ का। ठीक है, पैसे भी नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, झूठा केस लगाया। मैं 4-6 महीने में जेल था, जेल में भी लेकर आया। उसके बाद आज मेरी तारीख थी, मैं रामदेवरा गया, रामदेवरा से सीधा तारीख पर गया। आज ये खुद कोर्ट में आया नहीं, इसका वारंट निकला हुआ कोर्ट का, इसकी इसकी सुनवाई थी आज, इसकी गवाही थी आज। फिर क्या हुआ, मैं 1 तारीख को गया तो मेरे को तारीख मिली, 9 तारीख का इसका अरेस्ट वारंट निकला, इसका खुद का, संजय का। फिर मैं इसका वारंट निकला संजय कुमार। ठीक है, उसके बाद मैं मेरे घर की तरफ जा रहा था, हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म था, मैं था, मेरा दोस्त था, मेरा भाई था। हम पेट्रोल पाने पेट्रोल पंप पे गए तो उसने पीछे से आके तेजाब डाल दिया। कोई पुरानी रंजिश थी क्या? कोई रंजिश नहीं, बस मैं पैसे मांगता था। अच्छा, वही वाले भाई कहा जा रहा है कि कोई कोई कई बार पहले कुछ हुआ था आपके? नहीं नहीं, संबंध 3 बार वारदात कर चुका मेरे पास आती है, 3 बार। एक किस प्रकार की वारदात की थी आपने? इस बार पैसे पहले मेरे यहीं अजयनगर चौराहे पे खिलाड़ी से वारदात की थी, जब मैंने इस थाने पे भी कंप्लेंट कराई थी, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई थी उस टाइम। आज घटनाक्रम कहाँ हुआ है पूरा? पेट्रोल पंप पे। क्या हुआ? पेट्रोल पंप पे रेलन, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने गया, पेट्रोल भरते वक्त ये पीछे से आया, इसने मेरे पे तेजाब डाल दिया। पेट्रोल पंप वाले ने पूरा देखा, पूरे वीडियो पेट्रोल पंप पे कैमरे लगे, वहाँ पर पूरी वीडियो बनी हुई है। आपके क्या कहाँ लगी है? पूरे कमर जल चुकी है मेरी, कोहनी हाथ जल चुकी है। मैं देखिए पीछे से पूरा। हाँ भैया, फिर उसके बाद? उसके बाद मैं किसी तो वहाँ बाथरूम में जाके दुब गया, वहाँ से मैंने पानी डाला मेरे ऊपर, फिर भी नहीं माना, उसने बाथरूम का दरवाजा तक तोड़ दिया। फिर वहाँ की पब्लिक ने उसको पकड़ा, पब्लिक ने मारा मेरे दोस्त ने, फिर जाके पुलिस आई। मुकदमा दर्ज कराया? हाँ, मुकदमा दर्ज कराया। कौन से थाने में? रामगंज थाने में। आपका नाम? शिवराज। आज अजमेर में रामगंज इलाके में रेलवे हॉस्पिटल के सामने ठीक एक पेट्रोल पंप है, जहाँ से सूचना आई थी कि कोई एसिड अटैक हो गया। इस पे पुलिस ने वहाँ पर पहुँच के मौके पे पता किया, तो जिसमें खीमराज नाम का एक व्यक्ति है जो अपने गौतम नगर रामगंज का रहने वाला है, उसके ऊपर एक संजय कुमार नाम के व्यक्ति ने एसिड फेंक दिया। इस चीज़ की पूरी पूछताछ की, जांच की, तो पता चला कि संजय कुमार की पत्नी ने 376 का मुकदमा दर्ज कराया था अलवर गेट इलाके में पिछले साल अगस्त महीने में। उसी बात को लेकर के आज कोर्ट में दोनों की पेशी थी। पेशी के बाद कोई इनकी झड़क हुई, झड़क के बाद जब खीमराज वहाँ कोर्ट से निकल करके अपने घर के तरफ जा रहे थे, उस दौरान बीच में पेट्रोल लेने के लिए इस पेट्रोल पंप पे रुके, पीछे से संजय कुमार ने आ करके कुछ एसिड उस पर फेंका, इसी कारण ये एसिड अटैक वहाँ पर हुआ, जिससे उसे पीठ में थोड़ी सी एसिड लगी है और अभी वो फ़िलहाल सेफ है और जान का कोई ख़तरा नहीं है। संजय कुमार जो आरोपी है उसको पुलिस ने दस्तियाब कर लिया है और उससे आगे पूछताछ जारी है। कौन सी जगह ये रेलवे अस्पताल जो है ब्यावर रोड पे रामगंज इलाके में, उसके ठीक सामने पेट्रोल पंप पे, वहीं की ये घटना है। एसिड फेंकने में संजय कुमार अकेला ही व्यक्ति था जो खुद ही बाइक पे आया था, और जब आगे उसके बाइक के आगे ये रुके हुए थे खीमराज, तो इसने बाइक रोक करके वहाँ पर एसिड फेंका।